वी हैव रिच एलोरा केव्स, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली बारिश आ रही है और हमारे बैकपैक वगैरह सब जो भी हमारा इंपॉर्टेंट सामान था वो गाड़ी के डिक्की में डाल दिया। बैग में सिर्फ जो भी इक्विपमेंट हमें व्लॉगिंग के लिए ज़रूरी है वही लिया हम लोगों ने, जो शूट के लिए ज़रूरी है अंदर। अभी बारिश में शूट करना जमेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अब एलोरा केव्स एक्सप्लोर करते हैं। सो दिस इज़ द एंट्री गेट ऑफ एलोरा केव्स। बारिश रुक गई है, हम लोग रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, अभी हम लोग एलोरा केव्स में हैं। यहाँ पे पीछे टिकट काउंटर, यहाँ पे टिकट निकालनी पड़ेगी एंड देन वहाँ से एंट्री है एलोरा केव्स के लिए। दिखाते हैं आपको पूरी प्रोसीजर। सो दिस इज़ द टिकट काउंटर और यहाँ पे 40 रुपीज़ में आपको टोकन मिलेगा, दिस टाइप ऑफ टोकन जो कि एंट्री गेट में आपको नेसेसरी है, और फॉरनर्स के लिए 500 रुपीज़ चार्ज है यहाँ पे टोकन का। एंड दिस इज द व्यू। सो एलोरा केव्स के लिए हमें बहुत दिनों से आना था, बट बहुत दिनों से औरंगाबाद का प्लान नहीं बन रहा था क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में इसका भी नाम दर्ज है, और कल या फिर डे आफ्टर टुमारो वी आर प्लानिंग टू गो टू अजंता केव्स ऑल्सो। सो टुडे ड्यू टू शॉर्ट ऑफ टाइम वी आर नॉट एबल टू गो टू अजंता केव्स, सो वी हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लोर एलोरा केव्स एंड दिस इज़ द एंट्री गेट ऑफ एलोरा केव्स। तो बेसिकली हमें यहाँ पे एंट्री करनी पड़ी और ये टोकन से आपको जो पीछे मशीन्स लगी हुई है वहाँ से एंट्री मिलती है। एंड लुक एट दिस क्लीननेस, ये इसी की वजह से हर एक प्लेस जो है बहुत अच्छी लगती है। अक्सर जैसे अपन ने इसके पहले भी पचमढ़ी में देखा, चिकलदरा में देखा, जैसे पचमढ़ी में क्लीननेस ज़्यादा थी तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने में मज़ा आ रहा था कंपेयर टू चिकलदरा। चिकलदरा ख़राब नहीं ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग, बट जहाँ पे क्लीननेस ज़्यादा रहती है वहाँ पे एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है और माइंड भी काफ़ी फ्रेश रहता था। या यहाँ पे बीच में पाथ बना हुआ है जहाँ पे दोनों साइड से ट्रीज से ये ढका हुआ है, और आप पाथ देख सकते हो विंटेज टाइप का यहाँ पे पाथ्स बनाए जो रॉक से बनाते हैं क्योंकि केव्स है, मतलब वो उस टाइप का टेक्सचर देने की कोशिश की है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पीछे कौन से बरगद के पेड़ है ना सर? हाँ, बरगद के पेड़ लगे हुए हैं जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा छाव वगैरह रहती है। इन केस आप अगर समर में भी आ रहे हो तो यहाँ पे उतना प्रॉब्लम जाता नहीं है। एंड ये वाला जो टाइम है जब हम आए जो कि स्टार्टिंग ऑफ द मानसून, ये बहुत ही बेस्ट है क्योंकि देख सकते हो आप पीछे एलोरा केव्स। सो दिस इज द मेन एलोरा केव्स और आप देख सकते हो इसमें स्कल्पचर का काम कितना बखूबी से किया गया है। यहाँ पे आने के बाद ये समझता है कि ये कितना ह्यूज है, आप मेरे पीछे देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है, मतलब हम लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे 4 या 5 गुना हम लोग बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा ये ऊपर ह्यूज है। मैं ट्राई करूँगा अपर लेयर पे जाके सबसे ऊपर जाके दिखाने का, बट सही में ये जो आर्किटेक्ट जिन्होंने भी ये किया होगा जिस टाइम पर भी ये हुआ होगा, दिस इज़ अमेजिंग। क्या लगा तेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या था यहाँ आने के बाद देख के? दिस इज़ अमेजिंग, मतलब हम लोगों को ऐसा, मतलब अभी थोड़ी सी थकावट उठती हुई, कल रात को भी सोए नहीं है, परसों भी काम ही था तो परसों रात को भी ज़्यादा नींद नहीं हुई थी। यहाँ आके ऐसा लथार्जिक सा फील हो रहा था हमको, लेकिन जैसे ही ये इतना सुंदर आर्किटेक्ट देखे हम लोगों ने, दिस इज़ अमेजिंग। मतलब मैं बोलना चाहूँगा अगर जो भी औरंगाबाद आ रहा है तो एलोरा केव्स तो डेफिनेटली सभी के लिस्ट में रहता ही है जब औरंगाबाद आते हैं, लेकिन मस्ट विजिट प्लेस है। और ये देखें आप कितना ज़्यादा डीप है नीचे, ये अभी समझ भी नहीं आ रहा होगा कैमरे में, लेकिन मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा आपको, तब तक आप सिनेमैटिक देखिए।
कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरे मंदिर बने हुए हैं वो टाइम पे बनाए गए, और यहाँ पे पूरे एलिफेंट्स हैं जिनके सूंड, कोई कोई सूंड है अभी भी और किन किन की नहीं है, अभी टूट गए हैं या पहले से नहीं थे ये हमें भी नहीं पता। बट यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे एको बनता है आप अगर बात करोगे तो, और आप देख सकते हो हर जगह पे कलाकारी की गई है, इस वजह से इतना ही ज़्यादा मतलब एक एक सबसे बेस्ट थिंग बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये इतना, ये दिखने में जितना छोटा लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है और एकदम स्टीप है, सीधा है, और जब यहाँ पे बारिश वगैरह आती है तब पानी गिरता होगा तो क्या सीन्स दिखते होंगे, क्या बोलता है मतलब वो टाइम पे भी एक इसका एक अलग रूप दिखता होगा डेफिनेटली, तब यहाँ पे पानी भी रहता होगा और यहाँ पे एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता होगा, लेकिन ऐसी मतलब बहुत ही बढ़िया है। हम अभी ये वाले पोर्शन में जाते हैं, अक्षय का बोलना है ये शायद शेर है, और ये वाला हमने नहीं समझा कि ये एग्जैक्टली क्या बना हुआ, ये एलिफेंट है और ये शेर ही है वो भी शायद, अब पता नहीं। यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स जो है वो गिर चुके हैं पहले बहुत, यानी जब लास्ट टाइम मैं आया था ऑलमोस्ट 7 या 8 ईयर्स पहले, तब उस टाइम पे भी यहाँ पे थोड़ा मतलब बेस देने का काम शुरू था। सो यहाँ पे ऊपर में एक मंदिर बना हुआ है, और मंदिर नहीं है बेसिकली, यहाँ पे स्कल्पचर बनाया गया है जो कि मराठी में हम लोग उसे पिंड बोलते हैं, जो महादेव का पिंड बनाते हैं वो पिंड है, इस वजह से यहाँ पे शूज़ निकालने पड़ते हैं, और अंदर इतनी सुंदर लाइट में फ़ोटोज़ आती है क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने छोटा सा फोकस लाइट लगाया है जिससे फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छी आती है। इट्स ऑलमोस्ट 5:30 हो गए और अभी यहाँ से हमें सनसेट कैप्चर करने के लिए, यहाँ पे एक सामने एक सनसेट पॉइंट है, हम लोग वहाँ जाएंगे वो कैप्चर करेंगे, और जैसे ही सनसेट हो जाता है फिर वापस रूम में चल जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, क्योंकि कल भी सो नहीं पाए थे बस में, और उसके पहले दिन काम की वजह से रात को लेट हो गया था सोने में, और सवेरे अक्षय के साथ में बाहर गया था तो सोना ऑलमोस्ट 2-3 दिनों से तीन चार ही घंटे सो रहे, एनर्जी थोड़ी कम हो गई, बट एंटरटेनमेंट में कमी नहीं आएगी, हम अभी भी जाएंगे, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और सनसेट कैप्चर करेंगे और वो आपको देखने मिलेगा यही ब्लॉग। सो इट्स 5:45 और 6 PM को एलोरा केव्स बंद होते हैं, सो सिक्योरिटी गार्ड आए थे, उन्होंने बताया कि अभी 50 मिनट्स आपको यहाँ से निकलने के लग जाएंगे, सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम थे जो आखिर तक बचे हुए थे, या हम थे जो लास्ट तक यहाँ पे रुके हुए थे, बट बहुत ही बढ़िया प्लेस लगी। तो अक्षय तेरा बता, क्योंकि मैं तो इसके पहले आ चुका हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो था तेरा वो कैसा था? काफ़ी बढ़िया प्लेस है फैमिली के लिए, तो एकदम परफेक्ट। हाँ फैमिली के लिए मतलब के लिए। अगर आप औरंगाबाद या फिर आजू बाजू के एरिया से, ऑब्वियस ही बात है आप अगर यहाँ का कुछ प्लान कर रहे हो औरंगाबाद आने का, तो एलोरा एंड अजंता आर द मोस्ट विजिट प्लेसेस। आप देख सकते हो एंट्री गेट इतना सुंदर लगता है, यहाँ पे भी पूरी कारागिरी की गई है, और ये बेसिकली ऊपर जाने का भी रास्ता है, अभी बंद हो रहा है इस वजह से हमें जाने नहीं मिलेगा। हम ट्राई करेंगे जिस दिन हम अजंता जा रहे हैं उस दिन हम आए और ऊपर साइड कवर करके फिर हम लोग यहाँ से निकले, देखते अभी उस दिन कैसा प्लान बनता है, क्या हमसे हो पाता है, हमें जमेगा, क्योंकि उस दिन भी 2-3 प्लेसेस हमें कवर करनी है, सो देखते हैं। आज का दिन जो था वो बहुत ही बढ़िया, मतलब ठीक है आज थोड़ा मतलब टाइट प्लान्स थे हमारे, बट जो हमने व्यूज़ देखे, जो औरंगाबाद का कंसेप्ट था मेरे दिमाग में कि बीबी का मकबरा, यानी थोड़े से हिस्टोरिक प्लेसेस बट इतनी हरियाली के साथ देखने में लगा, मतलब वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इतना ज़्यादा मज़ा आया मेरे को। और औरंगाबाद मतलब मैं बता रहा हूँ कि कोई आसपास के लोग औरंगाबाद का कोई प्लान बना रहे तो बहुत ही बढ़िया प्लान है आपका, आप जाइए एक्सप्लोर कीजिए, बहुत सारी प्लेसेस है यहाँ पे। अभी तो सिर्फ आज पहला ही दिन था हमारा, कल हमारे आर्टनरी में बहुत टाइट आर्टनरी है और कल बहुत सारे प्लेसेस हम कवर करेंगे। आने वाले ब्लॉग्स आप देखिए, आपको भी पता चलेगा कि कौन से प्लेसेस है यहाँ पे जो आप कवर कर सकते हो। अभी हम लोग सनसेट पॉइंट की तरफ जाते हैं, होप सो कि हम जाके सेटअप करने के बाद ही सनसेट चालू हो, देखते हैं। सो आपको एंट्री और एग्जिट गेट पे ये टोकन दिया जाता है स्टार्टिंग में, वो आपको लगाना पड़ता है और उसी के बाद ही आपको एग्जिट करने मिलेगा।
तो यहाँ पे आपको टोकन दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे टोकन सबमिट होता है, यहाँ पे टोकन आपको डालना पड़ेगा एंड देन थैंक यू। एलोरा केव्स की स्टार्टिंग में आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज लगाए गए और ये आजू बाजू का जो गार्डन एरिया है, आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो हैंग आउट करने के लिए बहुत ही बढ़िया एरिया है। जो भी यहाँ के स्पेशल चीज़ें हैं वो बेचने के लिए जो भी लोग हैं वो अंदर केव के अंदर नहीं आ सकते, जहाँ तक टिकट काउंटर है वहाँ तक ही आपके साथ आएंगे और उसके सामने कोई भी आपको इरीटेट नहीं करता। बैटरीज डाउन है तो इस वजह से अभी देखते हैं कि कैसे मैनेज कर पाते हैं, लेकिन सनसेट तो कैप्चर करके रहेंगे। सो हम लोग सनसेट पॉइंट ढूंढते ढूंढते सामने तो गए थे, बट आपने सिनेमैटिक शॉर्ट्स में देख लिया होगा कि रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था कि हम लोग मतलब एक्चुअल में कैसा है कि समझो मेरी बाइक रहती तो शायद हम लोगों ने वो पैच कंप्लीट कर लिया रहता, बट ऑलमोस्ट अक्सर 1.5-2 किलोमीटर का पैच था वो पूरा ख़राब, 1.5-2 किलोमीटर का पूरा खराब पैच, मतलब इतनी कि गाड़ी खुद ग्लाइड कर रही, कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। सो हम लोगों ने ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए हम लोग यहाँ पे लेक साइड आए हैं, यहाँ पे सनसेट है और यहाँ से सनसेट कैप्चर हो रहा है। थोड़ा सा छोटा सनसेट होगा ये, मतलब सनसेट तो सनसेट है, छोटा है बड़ा क्या होता है, बट थोड़ा क्योंकि हम लोग जल्दी क्विक करके वापस भी निकले क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये मोपेड होने की वजह से थोड़ा रिस्क लेना उतना जमता नहीं क्योंकि इसमें सस्पेंशन वगैरह उतने अच्छे रहते नहीं है और बाइक के बड़े टायर होने की वजह से वो जल्दी निकल जाती है। सो बाकी तो एडवेंचर तो भैया मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, जो सोच रहे उससे पूरा विपरीत हो रहा है हमारे साथ जर्नी में और मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे प्लेस मतलब हमको पहले जब हम आए तब हम और एक फैमिली थी, बट अभी बहुत सारे लोग आ गए, आप पीछे देख सकते हो बहुत सारी कार्स पार्क हो रही है और सनसेट यहाँ से बहुत ही अमेजिंग दिखता है। सो आप अभी सनसेट देखो, हम आपको सनसेट कैप्चर होने के बाद मिलते हैं। बहुत ज़्यादा हंग्री थे तो वो डिनर करने के लिए हम लोग रास्ते में रुक गए। यहाँ पे एक ढाबा है, साई ढाबा करके नाम है और यहाँ पे मतलब बहुत दिन हो गए थे बाहर का कुछ खाया नहीं था, तो इस बार हमने डिसाइड किया था कि चलो ढाबा वगैरह का खाते। ये रास्ते में ही मिला हमें, ये दौलताबाद फोर्ट के जस्ट पहले है होटल, वेज ही है, नॉन वेज नहीं मिलता है यहाँ पे। ये है पनीर मसाला और ये है चना मसाला, अभी रोटी आना बाकी है। सो अभी खाना खाते और फिर आपको मिलते हैं। सो फाइनली हम लोग होटल पे आ चुके हैं। आज का दिन बहुत ही ज्यादा मतलब हद से ज्यादा मजेदार, एडवेंचरस और उतना ही ज्यादा एग्जॉस्टिंग भी था, बट बहुत अच्छी अच्छी नई नई प्लेसेस हमें देखने मिली। और कल के अडनेर में तो भर भर के यहाँ के औरंगाबाद के फेमस प्लेसेस है, परसों अजंता जाना है हमें। सो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। विद दैट से साइनिंग ऑफ फ्रॉम आदित्य वारंगी, कैच यू सून इन अदर व्लॉग्स, सर्च फॉर अनदर अमेजिंग डेस्टिनेशन। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।